हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज आपका अपना होस्ट आकिब खान। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में। सो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया। तो बात कर रहे हैं हम लोग वीआईपी नंबर्स और या फिर फैंसी नंबर्स को, आप कैसे आप अपनी बाइक या कार्स के लिए ले सकते हैं। तो बात करूंगा वन बाई वन पूरे इन डिटेल प्रोसेस की, कैसे आप उसको ऑप्शन में खरीद सकते हैं या फिर कैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाला आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बात करेंगे दोनों प्रोसेस की इन डिटेल, सब कुछ, हर चीज़, आरटीओ से लेके और कैसे शोरूम में आपको जाके क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कितना पेमेंट करना है, तो बात करेंगे इन सब भी चीज़ों की। तो शुरुआत, सो गाइस अब चलते हैं अब इस वीडियो की तरफ। तो जो लोग भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई भी क्वेरी हो इस रिलेटेड या नंबर से रिलेटेड, कहाँ पे आपको क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए और मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक। मैं आप सभी को सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये पूरा प्रोसेस आप पीसी या लैपटॉप या अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। बहुत ही लेंदी प्रोसेस नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है। शुरुआत करेंगे, जो भी आपके पास ब्राउज़र या एज हो तो आप ओपन कर लीजिए, मैं अपने एज ओपन कर लेता हूँ। तो पहले यहाँ पे टाइप करेंगे परिवहन .gov.in, तो ऐसी विंडो आपको ओपन होके आ जाएगी। तो यहाँ पे अब आएंगे सबसे पहले ऑप्शन ऑनलाइन सर्विसेज पे, नीचे जहाँ जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे दिख जाएगा आपको फैंसी नंबर बुकिंग। फैंसी नंबर बुकिंग पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको वन बाई वन सारे ऊपर मेन्यू दिखाई देंगे, शो ऑक्शन रिजल्ट, बिडिंग अपडेट्स वगैरह। ये आपको चार्ट दिखाई दे रहा है कहाँ पे किस स्टेट में सबसे ज़्यादा फैंसी नंबर बुक किए जा रहे हैं। बगल में आपको लॉगिन डिटेल वगैरह दिखाई देगी, यहाँ आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपको पब्लिक यूज़र दिखाई दे रहा होगा, जो भी नए यूज़र हैं, जो भी नए मतलब नंबर्स लेना चाह रहे हैं, उन सबको सबसे पहले यहीं पर आके पब्लिक यूज़र पर जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड पर जाके क्लिक करिएगा। नीचे सभी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, यूज़र मैनुअल, फाइनल ऑक्शन रिजल्ट, शो ऑक्शन रिजल्ट, व्यू रजिस्ट्रेशन सीरीज, बिडिंग अपडेट, चॉइस नंबर, सर्च बाय नंबर। बात करेंगे इन सभी चीज़ की वन बाय वन हर एक चीज़ की। तो शुरुआत करते हैं यूज़र मैनुअल से। यूज़र मैनुअल को सबसे पहला पढ़ना ज़रूरी है नंबर्स को लेने से पहले। अगर आपकी कोई भी डाउट हो तो सबसे पहले यूज़र में जाके ही आपके डाउट क्लियर हो सकते हैं। तो यूज़र मैनुअल पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे सबसे पहले जाके आप अपना स्टेट चूज़ कर लेंगे। तो स्टेट है मेरा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश ये आ गया नीचे, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद आपको पांच ऐसे नोटिफिकेशन दिखाई दे रहे होंगे। तो क्या क्या नोटिफिकेशन में आपको डिटेल समझना चाहिए वो इन डिटेल यहाँ पे आपको सब दिया रहेगा। यहाँ पे पहली डिटेल है नोटिफिकेशन फॉर ई ऑक्शन ऑफ नोटिफाइड रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको आप पूरा जाके पढ़ सकते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है वो है सर्कुलर ऑफ नोटिफाइड फैंसी और चॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे मतलब ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अथवा प्रथम आगत प्रथम पावर, इसका मतलब है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के सिद्धांत पर फैंसी और चॉइस रजिस्ट्रेशन संख्या के आरक्षण के संबंध में। इससे रिलेटेड आपको सारी डिटेल्स यहाँ मिल जाएंगी। जो जो मेन मेन मेजर पॉइंट्स हैं, मैं उन सभी पॉइंट्स की बात करूंगा जिनको आपको खास कर ध्यान रखना है नंबर्स लेने से पहले। और जो थर्ड पॉइंट है वो यूज़र रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर ई ऑक्शन। तो बात कर लेंगे पहले, सबसे पहले इसमें कितने ऑप्शन हैं। इसमें दो प्रोसेस होते हैं बेसिकली। पहला जो ऑप्शन होता है वो ई ऑक्शन वाला होता है, यानी कि नीलामी बेस्ड पे होता है। इसमें हम लोग जनरली बिडिंग वगैरह करके तब नंबर्स को लेते हैं। और बात करेंगे पूरे पूरा इस प्रोसेस की भी बात करेंगे, ऑप्शन से रिलेटेड भी। और जो दूसरा प्रोसेस होता है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाला होता है। तो सबसे बेस्ट मुझे जो प्रोसेस लगता है वो मुझे वही लगता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाला। उसमें कोई भी इतना लेंदी प्रोसेस नहीं होता जितना ई ऑक्शन में होता है। ई ऑक्शन में थोड़ा सा मसला ये फंस जाता है, जैसे कि कभी भी अगर आप थोड़ा सस्ता नंबर भी लेना चाह रहे होंगे तो ये इसमें आपको अमाउंट ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। बट ऐसा उसमें नहीं है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस में। उसमें आप शुरुआती नंबर के हो 3,000 रुपये से ले जाके आप 15, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार तक भी आप खरीद सकते हैं। इट्स अप टू यू आप कैसा नंबर चूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन डिटेल बात कर लेंगे पूरी ई ऑक्शन प्रोसेस की। तो ई ऑक्शन प्रोसेस की बात करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को, नंबर्स जैसे आप लोग कभी कभी अट्रैक्ट हो जाते हैं वीआईपी नंबर्स कार्स या बाइक्स वगैरह में देख के, जैसे कि 0786, 0786 बहुत अक्सर आप लोग देखने को मिल जाएगा, बहुत अट्रैक्ट करता है। और 0111, 0001, 1000, 2000,
10,000 ऐसे जनरली अट्रैक्टिव नंबर्स आप लोगों को देखने को काफी जगह मिल जाएंगे। तो बात कर लेते हैं गाइज ई ऑक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले ई ऑक्शन प्रोसेस शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया आपको, स्टार्टिंग है परिवहन .gov.in। वहाँ पे जाने के बाद आपको फैंसी नंबर बुकिंग पे जाना है। देन जो सेकंड पेज आपको पॉपअप होगा वो इस तरीके का इंटरफेस, जैसे अभी मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया। तो यहाँ पे जाने के बाद नीचे राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आपको न्यू पब्लिक यूजर दिखाई देगा। न्यू पब्लिक यूजर पर करने के बाद आपको अपनी यहाँ डिटेल्स फिल करनी है। थर्ड ऑप्शन मतलब थर्ड स्टेप ये है इसमें, जिसमें आपको अपना स्टेट, अपना एप्लीकेंट का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और वेरिफिकेशन कोड करना है। स्टेप फोर की बात करेंगे तो स्टेप फोर में आपको जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसमें एक पॉपअप विंडो लिख के आएगी जिसमें आएगा यू हैव सक्सेसफुली साइन अप। तो ये बात होगी फोर्थ स्टेप की। फिफ्थ स्टेप पे आएंगे, यहाँ पे आपको फिर से लॉग इन करना पड़ेगा अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के। तो जो आपका पुराना पासवर्ड है वो आपके मेल या नंबर पे जाएगा, वहाँ से आप कॉपी करके ओल्ड पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करेंगे, देन चेंज करेंगे। चेंज होने के बाद स्टेप सेवन की बात करेंगे तो स्टेप सेवन में जैसे ही लॉग इन करेंगे इसमें आपको ऐसे दो इस तरह से दो प्रोसेस दिख जाएंगे, प्रोसीड टू ऑक्शन प्रोसेस और प्रोसीड टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस प्रोसेस। तो बात कर रहे हैं हम पहले ऑक्शन प्रोसेस की, तो इसकी पूरी हम पहले बात कर लेंगे, बाद में बात करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस की। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाले प्रोसेस को मैं करके भी दिखाऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी रहे। और फिर जैसे ही स्टेप एट पे जाएंगे यहाँ पे आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर आपको नंबर सिलेक्शन लिंक दिख जाएगा और सिलेक्ट। फिर स्टेप नाइन पे बात करेंगे, यहाँ पे आपको अपना आरटीओ सिलेक्ट करना होगा, व्हीकल टाइप डालना होगा और व्हीकल कैटेगरी, ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और फिर बात करेंगे स्टेप टेन की। स्टेप टेन में आपको बिडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी रहेगी, इसके बाद सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको मोबाइल एसएमएस पे आपकी सारी डिटेल मिल जाएंगी। और फिर यहाँ पे आपको आएगा बिडर अमाउंट एक पे करने का, जो इसमें आपको अमाउंट पे करना है ऑक्शन में बैठने के लिए। सबसे पहले 1/3 अमाउंट पे करना है। 1/3 अमाउंट पे करने के बाद जब आपको नंबर अलॉट हो जाएगा बिडिंग बिडिंग में बैठने के बाद, जो फाइनल अमाउंट पे करना होगा वो नंबर अलॉट होने से पहले पे करना होगा। तो यहाँ पे आपको पहले 1/3 अमाउंट पे करना होगा। यहाँ पे करने का प्रोसेस आपको स्टेप 11 में दिख जाएगा। और जैसे ही स्टेप 12 में आएंगे यहाँ कंफर्मेशन डिटेल्स दिख जाएंगी आपको। यहाँ इसके बाद आपको एक EMD रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, यानी कि अर्नस्ट मनी डिपॉजिट, एक आपको रिसिप्ट इस तरह से मिल जाएगी। और जिस रिसिप्ट को आप प्रिंट करके आप अपने पास रख सकते हैं। तो थर्ड स्टेप हो गया यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर ई ऑक्शन। अब बात करेंगे फोर्थ स्टेप की, बिडिंग प्रोसेस फॉर ई ऑक्शन। तो ये हमारा काम था पहले का, ई ऑक्शन में किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरह से 1/3 अमाउंट पे करना है। देन इसके बाद हम बात करेंगे बिडिंग प्रोसेस, कैसे आप बिडिंग प्रोसेस में बैठना है। फिर से सेम स्टेप को आप रिपीट करेंगे, परिवहन .gov जाके एक फैंसी नंबर पे आप लॉग इन और पासवर्ड अपना डाल के लॉग इन करिए। देन इसके बाद आपको यहाँ पे स्टेप थ्री में दिख जाएगा ऑक्शन सर्विसेज, जिसमें आपको लिखा होगा बिडिंग प्रोसेस। बिडिंग प्रोसेस में जाने के बाद एक आपको नीचे लिख के आएगा एक्नॉलेजमेंट नंबर, यूनिक एक्नॉलेजमेंट नंबर, जिसको आपको बिडिंग प्रोसेस में बैठने के लिए देखना पड़ेगा। और इसमें ध्यान आपको ये रखना है बातों का, जैसे ही यहाँ पे आप अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डालेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा लास्ट बिड अमाउंट, करंट बिड अमाउंट और हाईएस्ट बिड अमाउंट। तो जो करंट बिड अमाउंट आपने जो डाला होगा वो होगा, और जो हाईएस्ट बिड मतलब उस वक्त जो रनिंग में हाईएस्ट बिड चल रही होगी, जैसे यहाँ पे 20,000 शो कर रहा है। और वापस से होम आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पब्लिक यूजर। और इस पे जाने से पहले आपको ये नीचे और बता दें, ये फाइनल ऑक्शन रिजल्ट, जैसे आप अभी आपको रिजल्ट देखना फाइनल, और जो आपका स्टेटस था ऑक्शन में वो यहाँ पे देख सकते हैं। थर्ड स्टेप और रजिस्ट्रेशन सीरीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्यू रजिस्ट्रेशन सीरीज मतलब आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग कौन सी रजिस्ट्रेशन सीरीज चली वो भी देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश और मेरा आरटीओ महानगर, एआरटीओ लखनऊ, ये। तो ये सीरीज ओल्ड है और जो एक्टिव में है इस वक्त वो ये है सीरीज UP32PQ14 में 2024। तो स्टार्टिंग रेंज 1 से लेके 4999, ये आपको सीरीज देखने को मिल जाएगी आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, अपने सिटी के अकॉर्डिंग। देन इसके बाद आपको चॉइस नंबर, आपको नंबर कौन सा चाहिए उस पर भी जाके देख सकते हैं क्या वो नंबर अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश और यहाँ पे अपना आरटीओ सेलेक्ट कर लेंगे, JKLM महानगर। और यहाँ पे आपको दिख सकते हैं सारे अवेलेबल नंबर, जैसे कि 0022, ये आपको मिलेगा 50,000, ये है कार के लिए LMV व्हीकल। और अगर आपको जैसे टू व्हीलर के लिए चाहिए, टू व्हीलर के लिए नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये 20,000 का नंबर, 000008, ये काफ़ी कॉस्टली है। तो और बात करेंगे ऐसे ही और नंबर्स की, जैसे कि
जैसे कि 3,700 ये 25,000 का है कार के लिए, और बाइक के लिए बात कर लेंगे 10,000 का है, इसमें 4400 आपको नंबर मिलेगा। ये सब नंबर अवेलेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद है वो देख सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। और बात करेंगे अब इसके रजिस्ट्रेशन की, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पब्लिक यूज़र, तो उस पर क्लिक कर लेंगे। और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले आप आके यहाँ स्टेट अपना सिलेक्ट करना है, स्टेट मैंने डाल लिया यूपी, और एप्लीकेंट नेम डालना है यहाँ पे, तो अपना नाम डालेंगे, और यहाँ पे अपनी मेल आईडी, ईमेल आईडी 2R5, और फिर साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के बाद आपके पास आपका पासवर्ड और आपकी लॉगिन डिटेल सब मोबाइल पे और मेल पे चली जाएगी। देन आपको इसके बाद फिर से होम पे आना है, और होम पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपने ईमेल आईडी डालना है सबसे पहले, और ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको नीचे शो हो रहा होगा किस नंबर पर ओटीपी गया, वो ओटीपी आप यहाँ पे डाल लेंगे 3836094, और यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट मॉड्यूल टाइप ऑप्शन प्रोसेस, मैंने आपको पूरा समझा दिया किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। अब बात कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाले प्रोसेस की, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन से नंबर की सीरीज कितने में पड़ेगी, आपको देख सकते हैं यहाँ पे 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, ये सारे नंबर 4×1, 4×2, 4×3, 4×4, 9999, ये सब आपको फोर व्हीलर्स और एलएमवी के लिए पड़ेंगे आपको 1 लाख रुपए का, देख सकते हैं आप लोग। और टू व्हीलर में आपको ये पड़ेगा 20,000 रुपए के, ट्रांसपोर्ट हो चाहे नॉन ट्रांसपोर्ट। अब बात करेंगे इस तरीके से सीरीज की, 0010, 0011, 0022, जैसे मान लीजिए 6,000 है, जैसे मान लीजिए 9,000 है, 9900 है, इसमें ये आपको एलएमवी के लिए पड़ेगा 50,000 रुपीज़ का, यानी कि कार के लिए, और फोर व्हीलर कोई भी हो एंड अबव, देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा है एलएमवी फोर व्हीलर और एंड अबव, तो ये आपको पड़ेगा 50,000 रुपये का, और यही चीज़ टू व्हीलर में आपको पड़ेगी 10,000 रुपीज़ की। और बात करेंगे अब इस तरीके से सीरीज की, 0027, 8200, 5554, 00 और 9009, ये आपको कार के लिए पड़ेगी 25,000 रुपये की, 25,000 की, और यही बाइक में आपको पड़ेगी 5,000 रुपीज़ की। सो जब सबसे कम जो कॉस्ट है वो कार या बाइक की है, तो जो आपको कार में पड़ेगा वो 15,000 रुपीज़ का, और जो बाइक में पड़ेगा वो आपको पड़ेगी 3,000 रुपीज़ का। तो वो नंबर जो आपको मिलेगा वो इस तरीके से सीरीज में मिलेगा, 3337 डबल सीरीज वाले नंबर आपको, जैसे 2266, 3838। सो गाइज एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, सो जो मैंने भी नंबर लिया था वो मैंने ये नंबर लिया था 7788, उसके लिए मैंने 3,000 रुपीज़ पे किए थे, और मैंने भी जो पूरा प्रोसेस किया था वो इसी तरीके से किया था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाले पे जाके मुझे ये नंबर पसंद आया 7788, तो मैंने अपनी होंडा CB350 RS के लिए ये नंबर पहले से ही बुक करके इसका अलॉटमेंट लेटर ले लिया। और अलॉटमेंट लेटर लेने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आपके पास अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा उसका प्रिंट लेके, तो गाड़ी आप पसंद करिए, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं शोरूम ओनर्स को आप दिखाइए कि मेरे पास ये अलॉटमेंट लेटर है, अपना अलॉटमेंट लेटर उनको दिखाइए कि मैंने ये नंबर बुक किया है, मुझे ये नंबर अपने बाइक के साथ या कार के साथ चाहिए, तो आप उनको आप वो लेटर देंगे, उनको पूरा प्रोसेस पता होता है, वो आपके रजिस्ट्रेशन वाले सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ RTO को भेज देंगे, तो वो नंबर आपके रजिस्ट्रेशन पे अलॉट होके मिल जाएगा, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं करना है, ना ही आपको RTO को पेमेंट करना है, ना ही आपको शोरूम वाले को कोई पेमेंट करनी है, बस आपको जो पेमेंट करनी है वो वन टाइम पेमेंट यहीं पर आपको करनी है फैंसी नंबर वाली वेबसाइट पे। कैसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आएंगे नंबर सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे, देख सकते हैं, इसके बाद आप अपना RTO सिलेक्ट करें। यहाँ पे आने के बाद आपको अपना RTO सिलेक्ट करना है, जैसे कि लखनऊ महानगर RTO लखनऊ, ये कर लिया। और सिलेक्ट व्हीकल टाइप, आपका कौन सा व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट है नॉन ट्रांसपोर्ट है, तो हमारा नॉन ट्रांसपोर्ट में आता है, ट्रांसपोर्ट सारे कमर्शियल व्हीकल आते हैं, तो नॉन ट्रांसपोर्ट। अब इसके बाद व्हीकल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, LMV कार के लिए होता है, टू व्हीलर हमारी बाइक के लिए होता है, तो टू व्हीलर कर लेंगे बाइक के लिए। और इसमें कौन सी आप सीरीज चाह रहे हैं, सिलेक्ट व्हीकल सीरीज, तो यहाँ पे जो महानगर वाला सीरीज है आपको मिलेगा UP32PQ, ये सीरीज आपको अलॉट होगी, और इसमें जो नंबर अवेलेबल है ये नंबर सारे अवेलेबल है, सीरीज चूज करेंगे UP32PQ, उसके बाद ऐसे ही आपको नंबर सीरीज देखने को मिल जाएंगे। सेम इसमें भी है, जैसे 3008 है नंबर, 20,000 रुपीज़ का, 20,000 का है, इसको अगर आपको चाहिए तो इस पर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद इसका प्रोसेस ये है, आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर स्टेटस दिख जाएगा, कौन कौन से नंबर अवेलेबल हैं और कौन कौन से नहीं, उससे उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं, जो जो रेड नंबर हैं वो ऑलरेडी बुकड हैं, जो ग्रीन नंबर वो अवेलेबल नंबर्स हैं जिसको आप बुक कर सकते हैं।
तो वो हमने पहले ही चेक कर लिया है। लगाने के बाद 20,000 वाला यहाँ पे आ जाएंगे आप। तो यहाँ पे ये लिखा है कंफर्म वेदर डीलर हैव अप्लाइड एंड जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ योर व्हीकल। क्या आपके डीलर ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है? तो हम यहाँ पे कर लेंगे नो। अभी ऐसा कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। इन केस यू आर प्रोसीडिंग विद फॉल्स इन्फॉर्मेशन, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अलॉटमेंट ऑफ बुक्ड फैंसी नंबर्स एंड मे बी लाइबल फॉर रिजेक्शन। तो अगर आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन डाल रहे होंगे तो ये आपका नंबर रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे नो करने के बाद कंटिन्यू टू रजिस्टर करेंगे। तो इस तरीके का आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन विंडो खुल के दिख जाएगा। यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, एप्लीकेंट नेम AQUIB KHAN, सिलेक्ट ओनरशिप ऑफ व्हीकल। ओनरशिप ऑफ व्हीकल कैसी है आपकी? इंडिविजुअल है, तो यहाँ इंडिविजुअल डाल दूंगा। यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डालना है आपको, सन ऑफ, और यहाँ पे अपना हाउस नंबर डालना है आपको। यहाँ पे हाउस नंबर डाल दिया, यहाँ पे स्ट्रीट नेम डालना है आपको, और यहाँ पे आपको अपना सिटी डालना है, लखनऊ, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ हो गया, पिन कोड डालना है आपको अपना, और अपना मोबाइल नंबर ऑलरेडी आ जाएगा, ईमेल आईडी भी ऑलरेडी पहले से। यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट प्रूफ डालना है, कौन सा एड्रेस प्रूफ देना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आधार कार्ड, यहाँ पे आधार नंबर आपको लिखना रहेगा। और यहाँ पे आपने डिटेल सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही सबमिट करेंगे आपको इस तरीके की ऑनलाइन पेमेंट विंडो खुल के दिखाई देगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नंबर कौन सा किया था, UP32PQ3008, जिसकी कॉस्ट है 20,000। प्रिस्क्राइब डीजल फीस देख सकते हैं आप लोग, 20,000 दिखाई दे रहा है। मोड ऑफ पेमेंट क्या ऑनलाइन है। यहाँ पे आपको वेरीफिकेशन कोड डालना है W8X2M, और यहाँ पे आपको चेकबॉक्स पर टिक करना है, और देन इसके बाद नीचे आपको पेमेंट दिखाई दे रहा होगा पे। पे पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना गेटवे सेलेक्ट करना है, SBI मल्टीवी बैंक पेमेंट, इसके बाद आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद किस तरह से आप मोड ऑफ पेमेंट करना चाह रहे हैं, कार्ड पेमेंट या नेट बैंकिंग? तो मैं कार्ड पेमेंट करूंगा। यहाँ कार्ड पेमेंट से करने के बाद कंफर्म, कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके का कार्ड दिखाई देगा। डिटेल्स आपको अपनी कार्ड डिटेल्स डालनी है, अपना नाम, अपना कार्ड नंबर, अपनी एक्सपायरी डेट और CVV। देन उसके बाद जैसे ही आप ये सब डिटेल फिल करेंगे उसे पे पे क्लिक करेंगे और आपका पेमेंट हो जाएगा। आपको अपना ईमेल आईडी, लॉगिन पासवर्ड डाल के यहाँ लॉगिन करेंगे, OTP आएगा एक फिर से आपके ऊपर। तो OTP OTP आ गया 619085, यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फिर से हम यहाँ पे आएंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चेक पेमेंट स्टेटस, ऑक्शन सर्विसेज में जाके चेक पेमेंट स्टेटस, पेमेंट स्टेटस पे आप जैसे ही जाएंगे तो चेक ट्रांजेक्शन वाले विंडो इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे नीचे आपको दिखाई देगा सिलेक्ट ट्रांजेक्शन आईडी, यहाँ पे ये मैंने अपनी ट्रांजेक्शन आईडी डाल दी, और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं पूरी आपकी डिटेल्स आ जाएगी, आकिब खान, सन ऑफ, आपके पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ट्रांजेक्शन आईडी, ट्रांजेक्शन डेट और कितना अमाउंट है, ये सब आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं और चेक पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपका अमाउंट सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपका पेमेंट एक्सेप्ट हो गया है। तो इसके बाद अपनी रिसिप्ट जनरेट करना है, ई रिसिप्ट, अलॉटमेंट लेटर। तो यहाँ पे आप रिपोर्ट में जाने के बाद वहाँ से भी जनरेट हो सकती है, जैसे ही पेमेंट करेंगे उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। अगर आप फिर से चाहते हैं प्रिंट दोबारा करना चाहते हैं रिसिप्ट को, तो यहाँ पे आने के बाद आपको रिपोर्ट, रिपोर्ट में जाने के बाद रिप्रिंट ई रिसिप्ट आएगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप अपना रिसिप्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे, और रिसिप्ट नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन करेंगे, प्रिंट करने के बाद आप अपनी ई रिसिप्ट फिर से प्रिंट कर सकते हैं। और ई रिसिप्ट, और इस फिर ई रिसिप्ट को प्रिंट करने के बाद आप अपने शोरूम में ले जाकर रजिस्ट्रेशन से पहले, गाइस ये बात को आपको खास कर ध्यान रखना है, हमेशा रजिस्ट्रेशन से पहले इस अलॉटमेंट लेटर को जाके शोरूम वालों को दीजिए। वो जब भी अपने RTO को रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजेंगे तो आपके अलॉटमेंट लेटर के साथ भेजेंगे, जिससे आपको ये आपका VIP और फैंसी नंबर आपको अलॉट हो जाएगा। और ये प्रोसेस पूरा 30 दिन के अंदर में करना रहता है। इन केस जैसे आप अपने नंबर पहले बुक कर लिया और आप बाइक या कार बाद में खरीदना चाह रहे हैं, तो ये 5 से 10 दिन पहले कर लीजिए काम। आप अगर 10 दिन के बाद जा रहे हैं शोरूम में बाइक या कार्स को खरीदने, तब भी जाके खरीद सकते हैं, और ये आप अपनी रिसिप्ट उनको दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी ये नंबर खरीद लिया और मुझे ये वाला नंबर अपनी बाइक या कार के साथ चाहिए। और इन केस अगर आप ये 30 दिन के अंदर नहीं लेते हैं, तो जो आपने पेमेंट किया है वो नॉन रिफंडेबल होता है, वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आपको दिखाई देंगे 6 पॉइंट्स, जिसको आपको खासकर पढ़ लेना है। आपको नए व्हीकल्स पे मिलेगा जो भी आप फैंसी और VIP नंबर चाह रहे हैं। सो गाइज ये था मेरा पूरा ओवरऑल वीडियो फैंसी नंबर्स के ऊपर लेके। दोनों मैंने प्रोसेस वन बाय वन हर एक चीज़ इन डिटेल मैंने समझा दिया। इन केस अगर कोई डिटेल मिस हो गई हो या कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आई, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए और लाता रहूँगा बाइक से रिलेटेड। सो खूब भर भर के आप लोग मुझे प्यार दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।